हाय गाइज, मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका NMP क्लासेस में। दोस्तों, आज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम पढ़ रहे हैं और देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आज हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है और इसके पहले हमने दो क्वेश्चन पढ़ लिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप ITI का सिलेबस पढ़ते होंगे तो 100% इंजीनियरिंग ड्राइंग में यह अनिवार्य प्रश्न है, आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है और कैसे बनता है। तो दोस्तों, आइए देखिए, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वृत्त का सममिति प्रक्षेप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे वृत्त की प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। देखिए, हम बताए थे अपने पहले वीडियो में कि जब भी वृत्त का प्रोजेक्शन बनता है तो क्या होता है, वो दीर्घवृत्त में चेंज हो जाता है। तो देखिए कैसे बनता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी दूरी को हम आइसोमेट्रिक स्केल पर चेंज करना होगा, मतलब सममिति जो मापनी है उस पर सभी दूरियों को पहले चेंज करते हैं, उसके बाद ही फिगर नापते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल। अब देखिए, आइसोमेट्रिक स्केल में करना क्या है, हमको स्केल में 30 अंश का और 45 अंश का कोण एक ही बिंदु से बनाना है। देखिए, हमने स्केल बना लिया है। अब स्केल पर देखिए, हमारा जो त्रिज्या रहेगी 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को क्या करेंगे हम, जो हमारा देखिए, जो हमारा OC होता है, ये हमारा होता है ट्रू लेंथ होता है, मतलब क्या है, जो वास्तविक लेंथ होता है, हम OC पे नापते हैं 45 अंश वाले कोण पर। और जो भी हमारा क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मतलब आइसोमेट्रिक स्केल का जो फिगर, जो हम दूरी चेंज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, OB पे आता है। तो सबसे पहले जो हमारा वास्तविक लेंथ है उसको हम क्या करेंगे, OC पे नापते हैं, और जो हमारा दूरी इस पर आता है वो हमारा क्या होता है, आइसोमेट्रिक लेंथ होता है, ठीक दोस्त। तो देखिए, हमारा त्रिज्या कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इस पर हम 3 सेंटीमीटर की दूरी क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, माप लेंगे। देखिए, 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ दूरी आया यहाँ पे, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का लिए हमने नाप लिया। अब 3 सेंटीमीटर दूरी जो नापे हैं, अब उसको क्या करेंगे, सीधे एकदम 90 अंश के कोण पे सीधे हम OA पे लाकर छोड़ेंगे। देखिए, अगर हम 90 अंश के कोण पे लाएँ तो सीधे क्या होगा, हमारा यहाँ आएगा, यहाँ आ गया। तो अब देखिए, जैसे हमारा यहाँ से लंब हम डाले हैं OA पे, तो हमारा का OB को क्रॉस किया है, OB रेखा क्रॉस किया है, तो OB ही हमारा क्या होगा, जो OC दूरी होगा, OC, मतलब यहाँ ना नाप ले लेंगे, OB1 दे देंगे पॉइंट, जैसे B पे काटो तो OB1 प्राइम पॉइंट दे देंगे, तो हमारा OB1 जो दूरी होगा, यही दोस्त हमारा क्या होगा, अब हमारा नया त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। दोस्त, हमारा नया त्रिज्या क्या होगा, पहले त्रिज्या छोटा हो जाएगा, लेकिन हम लिखते हैं उतना ही है जो हमारा रियल में होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम मेजर कर लेंगे और इससे एक वृत्त बनाएंगे। देखिए, अब जो हमारी नए त्रिज्या आ गया है, जो हम OB1 हमारा क्या है, त्रिज्या हो गया, पहले हमारा क्या था, 3 सेंटीमीटर था, अब कुछ का हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना कम होता है, 18.4% कम होता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ वृत्त बना लेंगे, जो हमारा OB1 त्रिज्या है, जो नई दूरी हम प्राप्त किए उससे, ठीक है दोस्त। अब क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, वृत्त बना लिया है। अब वृत्त तो बन चुका है, लेकिन सबसे पहले क्या, हम वृत्त को अब कहेंगे, हम जब प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हम जानते हैं प्रोजेक्शन के रूल के अनुसार क्या होता है, हमें एक क्षैतिज रेखा खींचना होता है, क्षैतिज रेखा का होता है एक पॉइंट लेकर, पॉइंट से क्या है, 30-30 अंश का कोण हमको दोनों तरफ बनाना होता है। हमने एक पॉइंट ले लिया, अब क्या करेंगे, 30-30 अंश का कोण बनाएंगे, आप भी बनाइएगा और साथ साथ बनाएंगे दोस्त, और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। पढ़ने में मज़ा आता है जब क्या है, वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्त। देखिए, इतना फैसिलिटीज अगर हमारे ज़माने में मिले होता तो हम कहाँ से कहाँ चले गए होते। आप लोग ज़माने में तो अच्छा अच्छा फैटेज मिलता कि आप यूट्यूब पढ़ लेते हैं, हम लोग तो क्या कोचिंग क्लास करना पड़ता था। देखिए, क्या हो गया, 30-30 अंश का कोण हमारा क्या हो गया, बन गया। इधर भी 30-30 अंश का कोण आपको भी बनाना होगा प्रोजेक्शन में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। अब देखिए, अब इसका रूल क्या है, अगर आप हमारा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस पे रूल होता है इसका, कि इस पे सिर्फ पे क्या होता है, या तो वर्ग बनेगा या तो आयत बनेगा। तो लेकिन हमारा क्या है दोस्तों, हमको वृत्त का है प्रोजेक्शन बनाना है, तो अब कंडीशन का है हमको वृत्त बनाना है, लेकिन हमको इस पे बनता क्या है, या तो वृत्त या तो वर्ग बन सकता है या तो आयत, लेकिन हमारा क्या है, वृत्त है। तो दोस्त क्या करेंगे, कोई टेंशन बात नहीं है, इसको क्या करेंगे, हम एक बॉक्स में भर लेंगे, बॉक्स का होगा हमारा वर्ग ही बनेगा, क्या होगा, सभी को ऐसे स्पर्श कराते हुए रेखा खींच देंगे, फिर इससे यहाँ से स्पर्श कराते हुए एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, फिर यहाँ से स्पर्श कराते हुए एक रेखा खींच देंगे। स्पर्श रेखा जानते ही होंगे कि किसी वृत्त की क्या होता है, किसी पॉइंट से होकर गुजरे का स्पर्श रेखा कहलाती है। तो जैसे स्पर्श रेखा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट होगा, तो देखिए क्या हो गया, हमारा जो वृत्त था एक वर्ग में चला गया। तो वर्ग का हम कोई नाम दे सकते हैं, ABC
सी डी ऐसे दे सकते हैं। अब क्या करना, अब तो हमारा कंडीशन फॉलो हो सकता है ना, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे या तो का वर्ग बनेगा या तो आयत बनेगा, तो अब तो हम इस पे बना सकते हैं वर्गों को। पहले हम वर्ग बनाएंगे, देखिए हम ए पॉइंट ले लेते हैं, क्या लेते हैं ए पॉइंट लेते हैं, हम भी यहाँ क्या करते हैं ए पॉइंट यहाँ मार लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए से क्या करना, हमको बी दूरी लेना है, ए से बी दूरी, और देखिए ए से डी भी क्या होगा हमारा बराबर होगा, तो ए से क्या करेंगे दोस्त, इस पॉइंट से एक काट देंगे चाप, अब फिर उसी दूरी से क्या करेंगे यहाँ चाप काट देंगे, फिर इसी दूरी से क्या करेंगे इधर चाप काट देंगे, और इसी दूरी से क्या करेंगे दोस्त यहाँ चाप काट देंगे, तो हमारा क्या हो गया पॉइंट प्राप्त हो गया। देखिए ये हमारा कहा जाएगा ए से बी कटा और ए से काट जुड़ा है डी जुड़ा है, तो ए से डी हो गया। अब क्या हो गया बी और डी के, बी और डी के बीच में क्या है सी है, सी हो गया। अब क्या करेंगे इसको आपस में मिला देंगे, तो हमारा क्या होगा यहाँ भी क्या होगा एक वर्ग बन जाएगा, और इसी वर्ग में कहा दोस्त हमको वृत्त बनाना है, ध्यान से देखिएगा। अब ये वृत्त का होगा दोस्त हमारा बहुत जगह पर होगा, क्योंकि इसको पहले बता दें, क्योंकि जो हमारा बेलन का बनेगा बेलन का, तो बेलन में कहा था वृत्त आता है, दोनों सिर्फ बेलन के वृत्त होता ही है, तो उससे उसी के पहले का इसको हम बता दे रहे हैं कि वृत्त का प्रोजेक्शन तो क्या होगा बेलन का प्रोजेक्शन बनाने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्त क्या करें देखिए, अब हमको क्या है इस वृत्त को इसके अंदर बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम इसी वर्ग तो यहाँ बनाए हैं स्क्वायर को। अब देखिए क्या करेंगे, इसके विकर्णों को आपस में ऐसे मिला देंगे एक दूसरे के, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ऐसे मिला देंगे, ठीक है, मिला दिए। अब करना क्या है दोस्त, अब आपको ए पॉइंट से क्या करना है, ए पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट से आपको एक ऐसी रेखा खींचना है कि जो बी सी पे क्या हो जाए लंब हो जाए, क्या हो जाए बी सी पे लंब हो जाए। तो क्या करेंगे हम यहाँ ऐसे लेंगे लंब, और ऐसे मिलाते मिलाते देखेंगे किस पॉइंट पे हमारा क्या होगा 90 डिग्री आ रहा है। देखिए इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे का हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा रेखा यहाँ से ऐसे जाएगी। ये अब यही काम का है, यहाँ से भी करना है। अब ए से अब सी डी रेखा पे क्या करना, हमको लंब डालना है सी डी पे, तो क्या करेंगे फिर ऐसे ले जाएंगे, देखेंगे कहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और सीधे कहा ए पे जा रहा है, ए ए पर यहाँ आ गया हमारा क्या होगा रेखा इधर भी इधर जाएगा, मिल गया पॉइंट। अब हमको कहा यहाँ आ गया, इसको मिला लेंगे। अब जैसे मिलाएंगे हमारा क्या होगा इस पॉइंट पे, हाँ देखिए रेखा हमारा क्या हो गया ए से यहाँ हो गया, दोनों पर हमारा क्या हो गया लंब हो गया। देखिए जो रेखा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये हमारा क्या होगा फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि बीच में कैमरा था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन पॉइंट हमारा सही था, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब इस सी से अब इन्हीं कटान बिंदु से क्या है गुजर कर एक रेखा जाएगी, ठीक है, गुजर कर मतलब क्रॉस होकर क्या होगी एक रेखा ऐसे जाएगी जहाँ जहाँ कटान बिंदु है वहीं से, ठीक है, क्या होगा हमारा आसानी हो जाएगी, जिससे क्या होगा दूसरा पॉइंट हमको खोजना नहीं पड़ेगा, हो गया ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है कंपास लेना है, ठीक है, अब कंपास पे क्या करना है ए से लेना है कोई इत ए दूरी ले लेंगे ए से, देखिए ए से क्या का ए दूरी ले लेना है, और यहाँ चाप का है काटना है ऐसा कि जाके वहाँ आपका अपने आप का होगा उस बिंदु पे क्या होगा टच कर लेगा, देखिए क्या होगा टच हो जाएगा उस बिंदु पे, ये हो गया। अब करना क्या फिर, अब यहाँ से दूरी ले लेना है, अब ए पॉइंट ले लेना है, ए पॉइंट जब आएगा क्या हो जाएगा अपने आप का हो जाएगा इस पॉइंट पे क्रॉस कर लेगा, देखिए हाँ क्या हो गया क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब देखिए वो हो गया, अब ये दूरी पॉइंट लेकर ये त्रिज्या लेना है, और इनको क्या करना आपस में चाप से मिला देना है ऐसे, देखिए क्या होगा ऐसे जाकर ए मिल गया इधर। अब ए पॉइंट लेना है और यहाँ से ऐसे क्या करना है इसको मिला देना है, देख कितना झकास का हमारा वृत्त का हो गया इस वर्ग के अंदर बन गया, और ये हमारा क्या होगा वृत्त का प्रोजेक्शन हो गया। तो दोस्तों आप इसको क्या एक दो बार रिवाइज करके देखकर समझ सकते हैं, बहुत बेहतरीन समझ आएगा। तो दोस्तों कहा गया हमारा वृत्त का आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। तो अब तक इस चैनल को अगर दोस्त अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए दोस्त, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।